हमारे अर्थ के सरफेस पर टाइम टाइम पर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं और अर्थ पर होने वाले इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में शामिल है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किसे कहा जाता है ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में डिटेल से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी जो एमिट होती है अर्थ के इंटीरियर से। इन शॉर्ट ऐसा फोर्स जो ऑरिजिनेट होता है अर्थ के इंटीरियर में। लास्ट कुछ वीडियोस में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। बेसिकली हमारे अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज्यादा हीट की वजह से जनरेट होते हैं कॉन्वेक्शन करंट्स और यही कॉन्वेक्शन करंट्स अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं। कॉन्वेक्शन करंट अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं इसका डिटेल वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती कैसे है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट जो ओरिजिनेट होती है अर्थ के इंटीरियर में। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं यूरेनियम, थोरियम जैसे बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनके डीके होने से लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है और इसे ही रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। देन आते हैं रोटेशनल पर। ये अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस में डायरेक्ट तो नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। पर कैसे? जैसे कि हम जानते हैं हमारी अर्थ पोल से फ्लैट जबकि इक्वेटर से बल्ज मतलब उभरी हुई है, इसीलिए हमारी अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं है। हमारी अर्थ पर ये बल्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट होता है रोटेशन की वजह से। अब अर्थ के बीच में बल्ज डेवलप होने की वजह से ही अर्थ के मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन ना होकर अनइवन है और यही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस अर्थ के इंटीरियर में पाए जाने वाले मटेरियल के मूवमेंट को भी अफेक्ट करता है, पार्टिकुलरली आउटर कोर जिसे नाइफे भी कहा जाता है क्योंकि ये पोर्शन कंटेन करता है आयरन और निकेल। मॉल्टन आयरन और निकेल जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स, देन ये करंट्स प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए अर्थ का रोटेशन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कॉन्वेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है जिस वजह से अर्थ के इंटीरियर में और ज्यादा हीट जनरेट होती है। देन आते हैं टाइडल फ्रिक्शन पर। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ का क्रस्ट और मेंटल स्ट्रेच और स्क्वीज होता है जिससे अर्थ के इंटीरियर में फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये ऐसा ही है जैसे जब हमारे हाथों को रब करने से हीट जनरेट होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइडल हीटिंग। इन सब के अलावा प्राइमोर्डियल हीट भी अर्थ के इंटीरियर में हीट को जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करती है। प्राइमोर्डियल हीट से हमारा मतलब है वो हीट जो बिलियन ईयर्स अगो हमारे प्लैनेट के फॉर्मेशन के दौरान ओरिजिन हुई थी। इस प्राइमोर्डियल हीट ने टाइम के साथ अर्थ की इंटरनल हीट को अफेक्ट किया है। तो ये थे वो सोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी को रिलीज करते हैं और यही एनर्जी एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को जन्म देती है। अब ऐसे दो इंपॉर्टेंट एंडोजेनिक प्रोसेस है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। अब ये फिनोमेना जो अर्थ के सरफेस को चेंज करता है मीन्स एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है जिस वजह से अर्थ का सरफेस भी अनइवन देखने को मिलता है। बेसिकली ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस यूनिफॉर्म क्यों नहीं है तो इसके लिए भी कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे कि वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स मींस अर्थ के इंटीरियर में भी टेम्परेचर एक समान नहीं है जिससे हीट के फ्लो में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रस्टल थिकनेस मींस क्रस्ट के थिकनेस कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। फॉर एग्जाम्पल ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है। इसीलिए एंडोजेनिक फोर्सेस के एक्शन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है और यही रीजन अर्थ के सरफेस को अनइवन बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आते हैं डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। तो आप जानते हैं डायस्ट्रोफिज्म को डिटेल से। डायस्ट्रोफिज्म ऑल प्रोसेसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। बेसिकली ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ जो चेंजेस होते हैं वो मैग्मा की वजह से होते हैं। इस प्रोसेस में अर्थ के क्रस्ट पर फोल्डिंग, फॉल्टिंग या अर्थ का क्रस्ट अपलिफ्ट हो जाता है।
इन शॉर्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से हुए चेंजेस को डायस्ट्रोफिज्म में शामिल किया जाता है। अब डायस्ट्रोफिज्म में शामिल है दो और प्रोसेसेस, पहला ओरोजेनिक प्रोसेसेस और दूसरा अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस। पहले जानते हैं ओरोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। ओरो मींस माउंटेन, ओरोजेनिक प्रोसेसेस से हमारा मतलब है माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, मींस ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड कर देते हैं जिससे फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन रेंज। अब अगर बात करें अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस की, तो अपीरियो का मतलब है कॉन्टिनेंट्स, मीन्स बड़ा लैंड मास। दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मीन्स इस प्रोसेस में या तो लैंड मास वर्टिकली अपलिफ्ट यानी ऊपर उठ जाता है या वर्टिकली नीचे धस जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये है कॉस्ट से सटा हुआ एक लैंड मास। अब अगर ये वाला लैंड पोर्शन मैग्मा के पुश करने की वजह से ऊपर उठ जाए और इसके बाद ये मेन लैंड का पार्ट बन जाए तो इसे इमर्जेंस कहा जाता है। पर अगर किसी कॉस्ट नहीं बल्कि किसी लैंड का मिडिल पोर्शन मैग्मा की वजह से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाए तब इसे कहा जाएगा अपलिफ्टमेंट। देन इसे अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस में सबमर्जेंस भी देखने को मिलता है। सेम इसी तरह जब यही कोस्ट का पार्ट मैग्मा की वजह से नीचे की तरफ धस जाएगा तो इसे कहा जाएगा सबमर्जेंस। अब अगर सेम यही सिचुएशन कोस्ट पर ना होकर लैंड पर होती है, मींस अगर किसी लैंड का मिड वाला पार्ट नीचे धस जाता है तो इसे कहा जाता है सब्सिडेंस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस में हमें वर्टिकल मूवमेंट्स देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ लगता है वर्टिकल फोर्स। अब अगर ओरिजेनिक और अपीरियोजेनिक प्रोसेसेस के बीच में मेन डिफरेंस देखा जाए तो वो कुछ इस तरह होगा। ओरोजेनिक प्रोसेस अर्थ के क्रस्ट को सीवियरली डिफॉर्म्ड करते हैं क्योंकि ये मोस्टली अर्थ के क्रस्ट को फोल्ड कर देते हैं, इसीलिए इसे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। जबकि अपीरियोजेनिक प्रोसेस के थ्रू अर्थ के क्रस्ट पर सिंपल डिफॉर्मेशंस होते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। इन प्रोसेस के साथ साथ अर्थक्वेक भी डायस्ट्रोफिज्म का ही पार्ट है क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से माइनर मूवमेंट्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आते हैं। इसके अलावा डायस्ट्रोफिज्म में शामिल है टेक्टोनिक प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओरोजेनी, अपीरियोजेनी, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक से अर्थ के क्रस्ट पर फोल्डिंग और फ्रैक्चरिंग होती है। इन प्रोसेसेस की वजह से अर्थ के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हमें रॉक्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हीट या एनर्जी से मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म्स में भी चेंजेस होते हैं। तो ये था डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म के बाद आते हैं दूसरे एंडोजेनिक प्रोसेस वोल्केनिज्म पर। वोल्केनिज्म से हमारा मतलब है जब वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थ के सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस में हॉट मॉल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पर आता है जिससे फॉर्मेशन होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म का। वोल्केनो के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं, इसका डिटेल वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थे एंडोजेनिक प्रोसेसेस जिसमें शामिल है डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। होप आपको एंडोजेनिक प्रोसेसेस समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।